खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है, जहां अमरोहा रेलवे स्टेशन पर एक सिपाही ने खुद को सरकारी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। वही गोली की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे गए। वही सूचना पाकर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने सिपाही के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दे, पूरा मामला जनपद अमरोहा रेलवे स्टेशन का है, जहां थाना डिडौली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला चौधरियान के रहने वाले तैयब पुत्र शौकीन का परिवार रहता है। शौकीन का बेटा तैयब एक सिपाही है, जिसकी ड्यूटी उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में चल रही थी। वही आज सिपाही तैयब शाम 7 बजे अमरोहा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचा, जहां उन्होंने सरकारी राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। वही गोली की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद सूचना पाकर जीआरपी और आरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर सूचना पाकर जनपद अमरोहा के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। फिलहाल पुलिस को सिपाही तैयब की मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं लगा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर सिपाही तैयब की मौत का कारण क्या है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि इस दर्दनाक घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।